यूक्रेन पर हमले के बाद अब स्पेस इंडस्ट्री में भी रूस ने तहलका मचा दिया है। रूस ने सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट से कुछ देशों के झंडों को ही हटा दिया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने इस पूरे मामले का वीडियो भी शेयर किया और साथ में लिखा, बैकुनूर में हमारी टीम ने फैसला लिया कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना ही बेहतर दिखेगा। रोगोजिन ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां भारतीय ध्वज रॉकेट पर लगा हुआ है, तो वहीं यूएस, जापान, यूके के झंडे हटाए जा रहे हैं। कजाकिस्तान के बैकुनूर में रूसी लॉन्च पैड से रूसी अंतरिक्ष रॉकेट से ये झंडे हटा दिए गए हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारी तबाही देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच यूक्रेन ने अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया है। उसकी तरफ से रूस के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। यूएनजीए में कल रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो गया। रूस के खिलाफ 141 वोट पड़े, जबकि समर्थन में केवल 5 वोट पड़े। वहीं 35 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के पक्ष में प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा की गई है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाए रखी। इससे पहले यूएनएससी में भी भारत ने अनुपस्थित रहकर प्रस्ताव से खुद को अलग रखा था। रूस के पक्ष में खुद रूस के अलावा बेलारूस, सीरिया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया ने मतदान किया, जबकि अमेरिका, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, अल्बानिया, गबोन, मैक्सिको, ब्राजील, घाना और केन्या जैसे देशों ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। यूक्रेन के समर्थन में नाटो में शामिल यूरोपियन देश बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।